प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर द फन दे हैड के साथ करेंगे और ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हम इंग्लिश के ही चैप्टर द एड्रेस को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बीहाइव्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द फन दे है और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने देखा कि टॉमी मार्जी को पहले के स्कूल्स और टीचर्स के बारे में बताता है और मार्जी कितनी हैरान हो जाती है सब सुनकर। उसको ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने स्कूल्स के बारे में जानकर मार्जी को कैसा लगेगा और वो क्या इमेजिन करेगी, क्या कल्पना करेगी तब के बच्चों के बारे में और कैसे वो पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे और साथ ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉमी जब मार्जी को ओल्ड स्कूल्स पुराने स्कूल्स के बारे में बताता है तो मार्जी कहती है कि बट माई मदर सेज A teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. वो कहती है कि, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो एक टीचर को भी अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो टॉमी कहता है, Just the same way they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम मत पढ़ो। मार्जी एकदम से कहती है, I didn't say like that. मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं? वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, लेकिन तभी मिसेस जॉन्स मार्जी की मम्मी की आवाज आती है, मार्जी स्कूल। वो मार्जी को बुलाती है क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो जाता है। मार्जी को उन स्कूल्स के बारे में और जानना था, तो वो टॉमी से कहती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या हम स्कूल के बाद साथ में बुक पढ़ सकते हैं? तो टॉमी बोलता है, मे बी, देखते हैं। और फिर टॉमी बुक लेकर सीटी बजाता हुआ चला जाता है। मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। स्कूल रूम मतलब वो रूम, वो कमरा जहाँ ई बुक्स यानी वो कंप्यूटर और मैकेनिकल टीचर होते हैं। स्कूल रूम उसके बेडरूम के साथ वाला कमरा था। इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्जी का स्कूल उसके घर में ही था। उसकी क्लास रोज उसी टाइम पर उसी जगह पर होती थी।
सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कि उसे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए ताकि उसको सब समझ आ जाए। हमेशा की तरह आज भी मैकेनिकल टीचर बिल्कुल टाइम पर होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि आज का मैथ का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन। जो स्लॉट दिया गया है उसमें अपना होमवर्क डालो। स्लॉट मतलब जो जगह टाइम दिया हो किसी काम के लिए। मार्जी एक लंबी सांस लेकर होमवर्क सबमिट करती है और अपने ही थॉट्स में खो जाती है। वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती है कि जब सारे बच्चे साथ में पढ़ते होंगे, हंसते होंगे, सारा दिन साथ रहते होंगे, पढ़ते होंगे, सब एक ही चीज पढ़ते होंगे, दूसरे की मदद भी करते होंगे। मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था, लेकिन मार्जी उन बच्चों के बारे में ही सोच रही थी। वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, मतलब उन्हें कितना मजा आता होगा। डिफिकल्ट वर्ड्स, नॉन चैलेंजली, केयरलेसली, मतलब लापरवाही से। स्लॉट, अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब जो एक स्पेस टाइम या पोजीशन किसी चीज के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि मार्जी को पुराने स्कूल्स के बारे में सुनकर कितना अच्छा लगता है। वो सोचती है कि वो बच्चे कैसे साथ में पढ़ते होंगे, एक दूसरे के साथ हंसते होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे होमवर्क करने में, मतलब वो कितने मजे करते होंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने घर जाकर अपनी बुक बी हाइव्स के इस चैप्टर द फन दे हैड को जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके आंसर्स को कैसे लिखना है ये देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम हमारी इंग्लिश की 9th की बुक बीहाइव्स का चैप्टर फर्स्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के पास किस टाइप के टीचर्स थे? मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे, मतलब वो टीचर्स जो उनको कंप्यूटर से पढ़ाया करते थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क। उनके पास एक बड़ी सी ब्लैक कलर की स्क्रीन थी जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जो मैकेनिकल टीचर्स थे उनके पास एक स्लॉट था जिसमें स्टूडेंट्स अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स दिया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? उनको क्यों जरूरत पड़ी थी काउंटी इंस्पेक्टर की? मार्जी हैड बिन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स ने मार्जी को ज्योग्राफी में बहुत सारे टेस्ट दिए थे।
शी हैड बीन परफॉर्मिंग वर्स एंड वर्स इन देम। वो उन टेस्ट में दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही थी। इट इज फॉर द रीजन दैट शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और यही रीजन था कि मार्जी की मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्जी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर। मार्जी इंस्पेक्टर ने काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को एक एप्पल दिया और मैकेनिकल टीचर पर काम करना शुरू कर दिया। मार्जी हैड होप दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर। मार्जी ये उम्मीद कर रही थी, ऐसा चाह रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको ना पता हो कि मैकेनिकल टीचर को कैसे ठीक करना है। He slowed up the geography sector of the teacher because it had become too quick. County inspector ने geography sector जो था teacher का उसको slow कर दिया था, धीरे कर दिया था, क्योंकि वो बहुत तेजी से चल रहा था। Fourth question है, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Margie ज्योग्राफी में क्यों इतना बुरा परफॉर्म कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया। मार्जी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। मार्जी ज्योग्राफी में इसलिए बुरा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो हायर लेवल पर, ऊंचे लेवल पर एडजस्ट हो गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। काउंटी इंस्पेक्टर ने उनको ठीक से बताया कि मार्जी को इस बात के लिए ब्लेम, मतलब इस बात का इल्जाम उस पर नहीं लगाया जा सकता कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस है, खराब परफॉर्मेंस है। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो कर दिया मैकेनिकल टीचर के, और स्लो करके किस पे कर दिया, 10 ईयर ओल्ड लेवल पर, 10 साल का जो बच्चा होता है उसके लेवल पर। ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जॉन्स दैट मार्जीज प्रोग्रेस पैटर्न इज सेटिस्फेक्ट्री। उन्होंने मिसेस जॉन्स को, मार्जी की मम्मा को, ये भी बताया कि मार्जी की प्रोग्रेस पैटर्न जो है, मार्जी जिस तरीके से इम्प्रूव कर रही है वो सेटिस्फेक्ट्री है, मतलब वो संतुष्टिजनक है। डिड मार्जी हैव रेगुलर स्कूल डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। क्या मार्जी रेगुलर डेज, मतलब लगातार हर दिन और पूरे प्रॉपर घंटों में स्कूल जाती थी, और अगर जाती थी तो क्यों। यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्जी रेगुलर स्कूल जाती थी और जितने दिन जाना चाहिए और जितने घंटे जाना चाहिए वो उतने टाइम स्कूल जाती थी। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे। मैकेनिकल टीचर हमेशा सेम टाइम पर ऑन होता था, संडे और सैटरडेज को छोड़कर। Margie had regular days and hours for school because her mother said that little girls learn better when they learn at regular hours. Margie regularly school इसलिए जाती थी क्योंकि उसकी मम्मा ऐसा कहती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ढंग से सीखते हैं, ज्यादा ढंग से सीखते हैं जब वो regularly पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, उन्हें डिस्कस किया और देखा कि कैसे हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हैं। आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बीहाइव्स के इस चैप्टर द
फन दे हैड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस। और दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है उनसे मिलने, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उसे पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। जब नरेटर बताती है मिसेस डॉर्लिंग को कि वो मिसेस एस की डॉटर है, तब भी मिसेस डॉर्लिंग को कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद नरेटर हमें कुछ अपने पास के बारे में भी बताती है कि किस तरह से उसकी मदर ने उसे सबसे पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, किस तरह से उसने अपने घर में चीजों को मिसिंग पाया, और जब उसने ये बात अपनी मदर से कही तो उसकी मदर ने कहा कि ये सारी चीजें तो मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ अपने घर ले गई है। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हर मदर्स बिलोंगिंग्स के बारे में, यानी जो नरेटर की मदर थी उनकी जो चीजें थी उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिजॉल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेटर ये डिसाइड करती है कि अब वो फाइनली इस एड्रेस को भूल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। फर्स्ट विजिट पर रिजेक्टेड होने के बाद नरेटर डिसाइड करती है कि वो दोबारा उस एड्रेस पर आएगी। तो नरेटर जब वो वहां पर आती है तो हमें बताती है कि इस बार Now a girl of about 15 opened the door to me, यानी कि इस बार एक 15 साल की लड़की ने नरेटर के लिए दरवाजा खोला होता है और नरेटर उससे पूछती है, I asked her if her mother was at home, यानी कि नरेटर उस 15 साल की लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है। इस पर वो 15 year old girl बोलती है, No, my mother's doing an Errand। दोस्तों, errand का मतलब होता है a short trip you make to do something such as buying or delivering things in the neighborhood। यानी कि जब आप अपने गली में कुछ सामान खरीदने जाते हो या किसी को कोई सामान देने जाते हो तो उसको बोलते हैं errand। तो वो 15 साल की लड़की narrator को बताती है कि नहीं, उसकी मम्मी घर पर नहीं है, उसकी मम्मी बाहर गई है। और ये सुनकर नरेटर बोलती है, नो मैटर आई विल वेट फॉर हर, यानी कि कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारी मदर के लिए वेट करूंगी। इसके बाद नरेटर हमें लिखती है कि किस तरह से वो उस गर्ल को फॉलो करते हुए एक बहुत ही ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर को देखती है जो कि मिरर के बगल में लगा हुआ होता है। और वो हमें बताती है कि किस तरह से उन्होंने वो कैंडल होल्डर कभी भी यूज नहीं किया होता है। और नरेटर अब घर के लिविंग रूम एरिया में पहुंच जाती है। लिविंग रूम एरिया में आने के बाद नरेटर लिखती है, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि यानी कि उस रूम में वो बहुत सारी चीजों को देखती है जो उसे काफी फेमिलियर लगती है, क्योंकि वो सारी चीजें नरेटर के घर से आई हुई होती है। नरेटर इतने उस कमरे की, उस लिविंग रूम की चीजों को देख रही होती है कि तभी वो 15 ईयर ओल्ड गर्ल आ जाती है और वो बोलती है, माय मदर विल बी बैक सून, यानी कि मेरी मदर जल्दी ही वापस आ जाएगी। इसके बाद वो कहती है, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, यानी कि उसने अपनी मदर के लिए ऑलरेडी चाय बना ली है। और वो नरेटर से भी पूछती है,
विल यू हैव अ कप, इस पर नरेटर रिप्लाई करती है थैंक यू। इसके आगे नरेटर हमें बताती है कि किस तरह से द गर्ल ब्रॉट टी फॉर हर, यानी कि वो 15 साल की लड़की नरेटर के लिए चाय लेकर आती है। देन शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट ऑफ इट, यानी कि वो लड़की एक बॉक्स को खोलती है और उसमें से कुछ चम्मचों को बाहर निकालती है। इसके साथ साथ ही द नरेटर ऑल्सो लुक्ड एट द एंटी प्लेट्स, इन सब चीजों को देखते हुए नरेटर बोलती है That's a nice box. तो ये सुनकर वो 15 साल की लड़की कहती है Oh, you know about them? कि क्या तुम इनके बारे में जानती हो? और वो चाय का कप नरेटर की तरफ करती है और वो हंसते हुए बोलती है कि उसकी मदर किस तरह से उसे बताती है कि ये सारी चीजें, ये स्पून्स, ये एंटीक प्लेट्स, ये सब कुछ एंटीक है और उनके पास ये बहुत सारी है। और वो 15 साल की लड़की जिस रूम के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, नरेटर उस तरफ देखती है। She knew that all the cutlery, knives, forks and spoons were of silver. उसे पता होता है कि उस बॉक्स में, उस कॉर्नर में जो सारी वो चीजें रखी हुई है, चाहे वो स्पून्स हो या फिर नाइफ हो, वो सब सिल्वर के बने हुए हैं। नरेटर ये सारी चीजें उस रूम में देखते हुए हमें बताती है कि these had been there once, कि ये सारी सिल्वर की स्पून्स, नाइफ, एंटीक प्लेट्स, ये सब एक टाइम पर नरेटर और उसकी मदर की थी। Her mother had told her about them when she was alive, और किस तरह से ये सारी चीजें जब उसकी मदर जिंदा थी तब उसने उनके बारे में सुना और उनके बारे में देखा था। इसके आगे नरेटर लिखती है कि किस तरह से वो 15 साल की लड़की नरेटर को और भी बहुत सारी चीजें दिखा रही थी कि वो किन चम्मचों से खाना खाते हैं, किन प्लेट्स को यूज करते हैं। और ये सुनते ही नरेटर आफ्टर सम टाइम नरेटर जंप्ड अप, यानी कि नरेटर एकदम से अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। शी मस्ट कैच हर ट्रेन, और वो उस लड़की को बोलती है I was forgetting the time. I must catch my train. कि मुझे तो मेरी ट्रेन पकड़नी है। और नरेटर बोलती है कि she could not wait for Mrs. Darling. कि वो अब और ज्यादा Mrs. Darling का वेट नहीं कर सकती। She came out and read the number. यानी कि नरेटर उस घर से बाहर आ जाती है और वो एक बार फिर से उस घर के एड्रेस को रीड करती है। और वो एड्रेस क्या होता है? It was 46 Marconi Street. और नरेटर एक बार फिर से अपने आप को एश्योर करती है The address was correct. यानी कि वो गलत घर में नहीं गई है, वो एड्रेस बिल्कुल सही है जो उसकी मदर ने उसे बहुत साल पहले दिया था। बट अब इतना सब कुछ विटनेस करने के बाद Now She wanted to forget the address. यानी कि अब नरेटर उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। She resolved not to go there. यानी कि अब वो वहाँ पर दोबारा नहीं जाना चाहती। Those nice things were once the belongings of her mother. यानी कि जो जो चीजें उसने आज उस घर में देखी, वो एक टाइम पर उसकी मदर की हुआ करती थी। वो सारी अच्छी चीजें उसकी मदर की है, उसकी मदर को बिलोंग करती है। एंड दे रिमाइंडेड हर ऑफ हर फॉर्मर टाइम्स, और वो सारी चीजें नरेटर को अपने पास की याद दिलाती है। बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, लेकिन अब उन सब चीजों ने, उन सब अच्छी चीजों ने अपनी वैल्यू खो दी है। और क्यों उन सारी नाइस थिंग्स ने अपनी वैल्यू खो दी है? बिकॉज Their true owner no longer exists. यानी कि अब नरेटर की मदर इस दुनिया में नहीं है और अब वो सारी अच्छी चीजें नरेटर की मदर की नहीं है बल्कि मिसेस डॉर्लिंग की हो चुकी है। और इसी वजह से नरेटर ये डिसाइड करती है कि वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी। और नरेटर फाइनली कहानी को खत्म करती है ये बोलते हुए I resolved to forget the address of all the things I had to forget
दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यानी कि नरेटर इस एड्रेस को अब हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। और इसी के साथ दोस्तों, ये स्टोरी अब हमारी यहीं पर खत्म होती है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने हमारी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू किया और जाना कि सेकंड विजिट पर जब दूसरी बार नरेटर उस घर में जाती है तो वो मिसेस डॉर्लिंग से नहीं मिलती, बल्कि उनकी 15 साल की बेटी से मिलती है और किस तरह से उस घर के हर कोने में उसकी मदर की चीजें रखी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी हर मदर्स बिलोंगिंग के बारे में कि किस तरह से वो लोग उसकी मदर की प्लेट्स, उसकी मदर के सिल्वर स्पून्स को आज भी यूज कर रहे हैं और ये सारी चीजें उसकी मदर की हुआ करती थी एक टाइम पर। और फाइनली हम लोगों ने एट द एंड पढ़ा कि किस तरह से नरेटर फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी। दोस्तों, ये चैप्टर था हमारी बुक स्नैपशॉट से। अब जब हमने इसकी स्टोरी को पूरा पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप एक बार इस चैप्टर को दोबारा से जरूर रीड करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इससे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पेपर में किस तरह से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि उनके आंसर्स आपको किस तरह से लिखने होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में इंग्लिश के चैप्टर द फन दे हैड को पढ़ा और ठीक इसके बाद क्लास 11 में हम इंग्लिश के ही चैप्टर द एड्रेस को पढ़ा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।